चालू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम हाईवे मटेरियल्स हमने स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि हाईवे की जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन होती है, रोड की जो कंपोजिशन होती है, या जो हम बोल सकते हैं डिफरेंट लेयर्स होती है, लाइक सरफेस कोर्स, बाइंडर कोर्स, बेस कोर्स, सब बेस कोर्स एंड सबरेट। जिसमें हम सबरेट को कंप्लीट कर चुके थे, फिर मैंने आपको बताया था कि चाहे बाइंडर कोर्स हो, बेस कोर्स हो, सब बेस हो या फिर आपका सर्फेस कोर्स हो, इन सब में डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल्स यूज होते हैं। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि जो पार्शियलिटी होती है वो सरफेस कोर्स के साथ होती है। पार्शियलिटी का मतलब क्या है कि भैया मटेरियल तो बाइंडर कोर्स में भी होता है, बेस कोर्स में भी होता है, सब बेस कोर्स में भी होता है, बट जो एग्जामिनर होता है या जो आपके बीटेक का सिलेबस है उसमें वो जनरली आपसे पूछता है सरफेस कोर्स के बारे में। हमने डिस्कस कर लिया था। तो अगर हम लोग बात करें सरफेस कोर्स की, मैंने बताया था आपको सरफेस कोर्स में भी एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, हम आगे चल चुके थे, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सरफेस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एग्रीगेट्स तो भाई साहब सब बेस में भी होते हैं, बेस कोर्स में भी होते हैं, बाइंडर कोर्स में भी होते हैं और सरफेस कोर्स में भी होते हैं, बट वो जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा आपसे सरफेस कोर्स के बारे में। दैट मींस अगर वो आपसे एग्रीगेट्स के बारे में पूछता है एग्जामिनेशन में, एग्रीगेट्स सब में होते हैं या हम बोलेंगे स्टूडेंट्स तो सब में होते हैं, बट वो पूछता है किसके बारे में आपसे, जनरली वो पूछता है सरफेस कोर्स के बारे में। फिर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया जब हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि एग्रीगेट्स के बारे में वो जो भी आपसे पूछेगा वो सरफेस कोर्स के बारे में पूछेगा। तो मैंने बताया कि अगर एग्रीगेट्स सरफेस बेयरिंग कोर्स में यूज होते हैं तो हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं, ताकि कल को जब रोड बन जाए, जब आपका हाईवे बन जाएगा, तो ऐसा ना हो कि जो एग्रीगेट्स सरफेस कोर्स में यूज हुए हुए हैं वो एग्रीगेट्स आपके खराब हो जाए। ठीक है, तो हमने सरफेस बेयरिंग कोर्स के एग्रीगेट्स में जो सबसे पहले पढ़ा था वो पढ़ा था हमने स्ट्रेंथ टेस्ट। हमने देखा था कि भैया जो हमारा एग्रीगेट यूज होता है, क्योंकि सरफेस बेयरिंग कोर्स ही हमारा गाड़ियों के कॉन्टेक्ट में आता है, सरफेस बेयरिंग कोर्स ही हमारा ऐसा लेयर होता है जो डायरेक्ट हमारे ट्रैफिक लोड के कॉन्टेक्ट में आता है। ठीक है जी, तो हमने बोला था कि जो ट्रैफिक लोड अगर एग्रीगेट्स में लग रहा है वो डायरेक्ट सबसे पहले सरफेस बेयरिंग कोर्स में लग रहा है, तो उन एग्रीगेट्स में आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। दैट मीन्स जब आपका ट्रैफिक लोड लगेगा तो आपके पेवमेंट में, सरफेस बेयरिंग कोर्स में हाई क्वालिटी एग्रीगेट होते हैं जो कि रेजिस्टेंस डेवलप करें ड्यू टू क्रशिंग। अगर उस पर कोई भी क्रश लोड लगता है, क्रशिंग लोड का मतलब क्या है, जो धीरे धीरे लगता है। देखो जी, दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि अगर हम बात करें स्ट्रेंथ, आपको दो चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो होता है स्ट्रेंथ और एक होता है टफनेस। टफनेस में हमेशा लगता है इंपैक्ट लोड, एकदम से लोड लगता है। मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा। तो हमने देखा था कि एग्रीगेट्स में स्ट्रेंथ होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर बता दिया तो मैं ज्यादा इसको लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि आज का टॉपिक मेरा अलग है। स्ट्रेंथ का मतलब धीरे धीरे उसमें लोड लगता आ रहा है, ये बोलेंगे कि हाँ भाई ग्रेजुअल लोड लग रहा है, कभी धीरे लग रहा है, कभी ज्यादा लग रहा है। पर टफनेस में क्या होता है, एकदम से लोड लगता है। हार्डनेस में क्या होता है, हम उसको घिसते हैं। जब आपकी गाड़ियों में ब्रेक लगाते हो तो आपकी जो गाड़ियों की थोड़ी सी स्किड होती है, मैं स्लिप नहीं बोल रहा है, स्किड होती है। स्किड का मतलब क्या, फिसल जाती है। अभी मैं आपको स्लिप और स्किड में डिफरेंस बताऊंगा। जैसे आप लोग बताते हैं कि मेरी गाड़ी स्लिप हो गई, तो एक्चुअली वो ओनली स्लिप नहीं होती, वो स्किड भी होती है, वो स्लिप भी होती है। वो क्या कंडीशन होती है हम लोग को बाद में पढ़ेंगे। उसके अगर हम डिस्कस करें तो हमने देखा था कि जो एग्रीगेट होता है, हम अगर बात करें सरफेस बेयरिंग कोर्स के एग्रीगेट के शेप की, तो देखो हम अगर बात करें स्ट्रेंथ की, हम डिस्कस कर चुके थे, हार्डनेस डिस्कस कर चुके थे, टफनेस डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको शेप ऑफ एग्रीगेट ही बताया था। शेप ऑफ एग्रीगेट में क्या होता है, शेप ऑफ एग्रीगेट में डिपेंड करता है कि आपकी एग्रीगेट की शेप क्या है। जैसे कि जो पतले और लंबे एग्रीगेट होते हैं उनकी लेस स्ट्रेंथ मिलती है। मैं आपको धीरे धीरे करके सब बताऊंगा, मैं आपको अभी छोटा छोटा बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। शेप ऑफ एग्रीगेट का मतलब क्या है भाई, अगर हम एग्रीगेट की शेप की बात करें, या तो वो फ्लेकी और पतले होते हैं या फिर वो मोटे होते हैं, एंगुलर होते हैं, राउंडेड होते हैं। तो अगर एग्रीगेट आपका पतला और लंबा है तो इसकी स्ट्रेंथ भी कम। तो जब हम रोड बनाएंगे, रोड में सरफेस बेयरिंग कोर्स यूज करेंगे, सो वी अवॉइड फ्लेकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट। हम क्या करेंगे, राउंडेड हो गया, एंगुलर हो गया, है ना, उस तरह की एग्रीगेट यूज करेंगे, क्योंकि वो एग्रीगेट आपकी ज्यादा स्ट्रेंथ आपको देते हैं। उसके बाद क्या बिटुमन, हमें देखते हैं कि हमारे सर्फेस बेयरिंग कोर्स में एग्रीगेट्स होते हैं, जो हमारे सर्फेस बेयरिंग कोर्स में जो एग्रीगेट्स होते हैं उनको चिपकाने के लिए हमें एक बाइंडिंग मटेरियल चाहिए होता है जो कि बिटुमन होता है। तो हमें यह देखना है कि जो एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं फॉर द सर्फेस बेयरिंग कोर्स, तो क्या वो बिटुमन के साथ चिपक भी रहे या नहीं चिपक रहे। तो हमें उन एग्रीगेट्स का ध्यान रखना है और हमें ड्यूरेबिलिटी चेक करनी है कि भैया हमारे एग्रीगेट्स ऐसा तो नहीं है। क्योंकि देखो इंडिया में सारे सीजन आते हैं, कभी गर्मी भी है, कभी बारिश भी है, कभी सर्दी भी है। तो कभी भी ऐसा ना हो कि भैया ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है, जो हर वेदर में ऐसे एग्रीगेट आप यूज कर ले
जो हर वेदर में सही रहे, डैमेज ना आए, ताकि वो रोड को खराब ना करते। तो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस करा था। अब सबसे पहले मैं अगर मैं आपको स्ट्रेंथ टेस्ट लेके चल रहा हूं, अगर हम सबसे पहले बात डिस्कस करें, ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ। अच्छा इसको मैं रिमूव कर देता हूं, हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम सबसे पहले एग्रीगेट का स्ट्रेंथ चेक करेंगे, और एग्रीगेट का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, एग्रीगेट की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके साथ। अगर आपको एग्रीगेट की स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो एग्रीगेट की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रशिंग टेस्ट ऑफ एग्रीगेट, क्रशिंग टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। तो अगर आपसे मैंने बात करी कि हमें एग्रीगेट की स्ट्रेंथ चेक करनी होती है, तो यहां से आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव बन गया है कि एग्रीगेट की स्ट्रेंथ किससे चेक करी जाती है, बाय यूजिंग क्रशिंग टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। ये आपका वन स्टार क्वेश्चन है, वैसे कम आता है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि जितने भी टेस्ट मैंने आपको पढ़ा है, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, ठीक है, शेप ऑफ एग्रीगेट, इनमें से एक टेस्ट के बारे में जरूर आता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन 6 से 7 मार्क्स की आई, मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं, अगर ट्रांसपोर्टेशन 6 से 7 मार्क्स की आई, तो 1 से 2 क्वेश्चन इस यूनिट से 100% कंफर्म्ड है, ठीक है। तो हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करें, हम स्ट्रेंथ क्रशिंग टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे देखो, जो भी मैं आपको अंडरलाइन करूंगा, आपको बस वो ही लिखना है, ठीक है। हमें ये देखना है, अगर हम क्रशिंग टेस्ट की बात करें, तो हमें क्रशिंग टेस्ट में ये देखना है कि जो हमारा पेवमेंट मटीरियल, जैसे कि मैं आपको बताया, देखो सबग्रेड पेवमेंट नहीं होती है, जो हमारा मेरे को बेस कोर्स, बाइंडर्स कोर्स, सरफेस कोर्स, सरफेस बेयरिंग कोर्स, ये पेवमेंट का हिस्सा होता है। तो अगर हम पूछें व्हाट इज क्रशिंग टेस्ट ऑफ एग्रीगेट, तो आप बोलोगे वन ऑफ द मोड या वन ऑफ द टेस्ट इन विच वी टेस्ट द एग्रीगेट कि भैया फेल तो नहीं हो रहा है, कहीं पर फेल तो नहीं हो रहा क्रशिंग से। भाई जो सरफेस बेयरिंग कोर्स है उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, आपकी जो गाड़ियां हैं वो रोड को दबाती हैं, आपकी जो गाड़ियां हैं वो रोड को कंप्रेस करती हैं। तो हमें देखना है कि अगर रोड पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, अगर रोड पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है ड्यू टू व्हीकल्स, ड्यू टू गाड़ियां, तो हमारे एग्रीगेट अपने अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो जो मैं आपको अंडरलाइन करूंगा, आपको वो ही टिक करना है। एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट वैल्यू, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट और कोर्स एग्रीगेट गिव्स अ रिलेटिव मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट क्रशिंग अंडर द ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। देखो जी मैंने आपको चीज बोली, आपको दो चीज बहुत धांसु तरीके से याद रखनी है। अगर हम क्रशिंग टेस्ट की बात करते हैं, तो इसमें लोड हमेशा ग्रेजुअल होता है, जो धीरे धीरे करके बढ़ता है, और वहीं पर जब मैं टफनेस टेस्ट की बात करूंगा, वहां पर इंपैक्ट लोड होता है जो एकदम से लगता है। भाई जैसे मैंने आपको बताया मोबाइल की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन को मैं धीरे धीरे कर, पहले धीरे फोर्स, कम फोर्स लगाया, फिर और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, तो उसको बोलते हैं ग्रेजुअल लोड। लाइक हमारा जो फैन होता है, हमारे घर का जो फैन होता है, तो पहले हम उसको एक पर चलाते हैं, जब सर्दी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, पहले एक पर चलाते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो आप फैन भी बंद कर देते हो, पर कभी कभी ऐसा सीजन आता है ना कि सर्दी भी है और गर्मी भी लग रही है, तो पहले पंखा एक पर चलाते हैं, फिर मजा नहीं आया, फिर दो पर चलाते हैं, फिर तीन पर चलाते हैं, पांच पर तो हम सर्दियों में फैन नहीं चलाते हैं, है ना। तो दैट मीन्स पहले आपने जीरो था, फिर एक दबाया, दो दबाया, तीन पर फैन चलाया, तो दैट मीन्स आप वो ग्रेजुअली चेंज कर रहे हो। तो याद रखो क्रशिंग टेस्ट ऑफ एग्रीगेट में हमेशा जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी, तो हम ये देखें, अगर हम ये हम डिस्कस करें कि क्रशिंग टेस्ट में हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, तो हम ऑब्जर्व करेंगे क्रशिंग वैल्यू। जो भी एग्रीगेट हम लेंगे, जितने भी एग्रीगेट को हम टेस्ट करेंगे, उस एग्रीगेट में हम ये देखेंगे कि कितना वेट एग्रीगेट का क्रश हो चुका है। हम क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं भाई। सबसे पहले मैं, आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हमने एक एग्रीगेट ले लिया, अभी उस एग्रीगेट पर आपने कोई भी फोर्स नहीं लगाया, फिर धीरे धीरे करके हम फोर्स लगाएंगे, ग्रेजुअल फोर्स लगाएंगे, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके एग्रीगेट क्रश होता है, धीरे धीरे करके एग्रीगेट क्या होता है, आपका क्रश होता है। तो फाइनली जो हमारे इनिशियल परफेक्ट एग्रीगेट थे, इनिशियल परफेक्ट एग्रीगेट थे, और उसके बाद हमारे जब हम फोर्स लगाएंगे क्रशिंग टेस्ट में, तो हमारे एग्रीगेट हो जाएंगे क्रश्ड, टूट जाएंगे। तो हम ये जो टूटे हुए एग्रीगेट्स है ना, हम इन टूटे हुए एग्रीगेट्स को, भाई हम एग्रीगेट का क्रशिंग टेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो एग्रीगेट्स होंगे, पहले वो बहुत सही कंडीशन में होंगे, फिर हम उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, तो जब आप उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो, तो एग्रीगेट आते क्रश हो जाएंगे। तो ये जो क्रश्ड एग्रीगेट है ना, हम उनको इस इनिशियल परफेक्ट एग्रीगेट से कंपेयर करेंगे कि इन इनिशियल परफेक्ट एग्रीगेट के कंपेरिजन में कितने एग्रीगेट्स हमारे टूट गए हैं,
क्या है, अब मैं आपको डायरेक्ट आगे बताता हूं। आप डायरेक्ट मैं एक चीज आता हूं, आप सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देता हूं, मैं दिखा देता हूं, ये रहा। देखो जी मैंने आपसे क्या बोला, मैं आपको ये देखो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। हम अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू का मतलब क्या, ध्यान में अगर हम पूछे कि इन क्रशिंग टेस्ट ऑफ एग्रीगेट व्हाट वी डिटरमाइन, वी डिटरमाइन एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, अभी मैं आपसे ढंग से बताऊंगा, सिंपल सी बात समझ रहे हो। देख लिया W2 क्या है, एग्जैक्ट एग्रीगेट। W1 माइनस W क्या है, वेट ऑफ। देखो अब आप ध्यान से देखना, आप बोलोगे सर क्या है ये, देखो W2 तो क्या है आपके परफेक्ट एग्रीगेट है, और W1 माइनस W क्योंकि आप देखो वेट ऑफ सरफेस जो टूटा हुआ पोर्शन है उसको फेंक दिया, जो जैसे मान लो परफेक्ट एग्रीगेट्स थे वो तो हो गया आपका W2। ठीक है, या फिर मैं आपको पूरा ढंग से बता देता हूं, देखो इधर देखो वरना कंफ्यूज जाओगे भी, बोलोगे सर आपने टेस्ट में बताया और आप डायरेक्ट बता। देखो ध्यान से अगर हम बात करें, हमने क्या देखा कि अगर कोई एग्रीगेट है उसमें 40% आपका क्रशिंग हुई है, ये लिमिट है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। क्या बोला मैंने आपको भाई, मैग्नेटम क्या होती है, वाटर बाउंड मैग्नेटम होती है, बिटुमेन मैग्नेटम होती है, सेमी डेंस बिटुमेन मैग्नेटम होती है, डेंस बिटुमेन मैग्नेटम होती है। तो मैग्नेटम की चार टाइप की, मैग्नेटम ऐसे नहीं सिंगल एक टाइप की। तो देखो अगर वाटर बाउंड मैग्नेटम आप रोड बना रहे हो तो उसमें एग्रीगेट क्रशिंग 40% आप देख रहे हो, ये एक चार्ट है जिससे आपको अगले क्वेश्चन आएगा, बट मैं आपको अभी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। हम अपने टेस्ट डायरेक्ट चालू करते हैं, ठीक है। तो हम कहां तक आ चुके थे, हाँ, कोर्स एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ द क्रश्ड मटेरियल ऑब्टेन व्हेन द टेस्ट एग्रीगेट आर सब्जेक्टेड टू अ स्पेसिफिक लोड अंडर स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन। ठीक है, अभी स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन क्या है, कितना लोड लगेगा, किस कितना आपको सैंपल लेना है, वो दी स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन है, वो सारा का सारा मैं आपको धीरे करके बताऊंगा। ठीक है, एन एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इज द न्यूमेरिकल इंडेक्स ऑफ स्ट्रेंथ। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको यही लिखा दिया कि जो क्रशिंग टेस्ट ऑफ एग्रीगेट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ। तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इज ए न्यूमेरिकल इंडेक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट एंड इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड पेवमेंट्स। तो जितना भी मैंने अंडरलाइन कराया ये सारा का सारा आपके रजिस्टर में आप क्या करोगे, सबसे पहले हेडिंग डालोगे क्रशिंग टेस्ट, ये हेडिंग डालो क्रशिंग टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। देखो सबसे पहले आप क्या करो क्रशिंग टेस्ट ऑफ एग्रीगेट, मैं आपको लिखा था चलूंगा पूरा पूरा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर आप डायरेक्ट पढ़ाते हुए जाते हो, आप लिखने का टाइम नहीं देते, तो मैं आपको लिखने का मौका दूंगा। मैं आपका एक सेकंड के लिए सामने सटूंगा, आप पॉज करके है ना, लेक्चर को पॉज करके आप उसको पूरा लिख लेना। ठीक है, हेडिंग का क्रशिंग टेस्ट ऑफ एग्रीगेट, उसका लिखा कि क्रशिंग टेस्ट ऑफ एग्रीगेट इज यूज फॉर स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, और जितना भी मैंने रेड में अंडरलाइन करा है पूरा का पूरा, देखो मैं सामने सट चुका हूं, आप पॉज करो और देख लो। ठीक है जी, नेक्स्ट जो मैंने लाइन अंडरलाइन कर दिया रेड से वो आपको पूरा का पूरा अपने नोट्स में लिखना है। नेक्स्ट क्रशिंग वाले लोअर क्रशिंग ये पूरा काम किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें, मैं आपको एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट को स्टार्ट करवा रहा हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में हम एक मॉल लेंगे, ठीक है, और उस मॉल के अंदर एग्रीगेट्स को रखकर मैं आपको पूरा टेस्ट भी बताऊंगा। अच्छा लास्ट टाइम एक फोटो था, ओके याद आ गया मुझे, एक फोटो मैं ढूंढ रहा था क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद लेक्चर दे रहा हूँ, आपको कंटिन्यूटी मेरी मेंटेन हो ही नहीं पा रही है। क्या अगर हम बात करें एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट की, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये इसको काट देना है ब्लैंक्स वगैरह के बीच में, टू डिटरमाइन, ध्यान से देखना हमारा दो मकसद होता है, एक तो क्रशिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट को डिटरमाइन करना, और ये देखना कि भैया क्या ये एग्रीगेट सर्फेस वेयरिंग कोर्स के लिए सुटेबल है या नहीं। हमारा क्या काम होगा, हमें देखेंगे कि जो हमारा एग्रीगेट है, पहले तो हम क्या डिटरमाइन करेंगे, देखो लिखना इसको आप स्टार्ट करना एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, हेडिंग डाल लो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट की, हम फाइन एग्रीगेट को टेस्ट नहीं करते इसमें, ओनली कोर्स एग्रीगेट करते हैं, हम करेंगे इसमें कि कोर्स एग्रीगेट जो आपका है उसकी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कितनी है, और दूसरा ये देखेंगे कि भैया क्या ये हमारा सुटेबल है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक वाटर बाउंड मैग्नेटम, मैंने आपको बताया उसमें क्रशिंग वैल्यू कुछ अलग होती है, मैंने आपको बिटुमेन मैग्नेटम बताया उसकी वैल्यू अलग होती है, सेमी डेंस बिटुमेन की अलग वैल्यू होती है। तो हमें ये देखना है कि हमारा ये मकसद देखना है कि हम कौन सी रोड बना रहे हैं, हम कौन सी रोड बना रहे हैं, उस रोड के अकॉर्डिंग आपकी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू फॉर सर्फेस बेयरिंग कोर्स अलग अलग होती है, सुटेबिलिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर द यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रोड। देखो इसको फटाफट देखो, लिखते जा रहा है यार क्योंकि बार बार बच्चे हो रहे हैं कि सर आप बिना लिखा है आगे चल जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको एक सेकंड टाइम दूंगा, इसको मैं मिटा दूंगा। अब अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, यहां से जबरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं,
हाँ भैया मैं इरेगुलर हूँ, मैं पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा इरेगुलर हूँ, इस चीज को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। बट मैं हमेशा चीज बोलता हूँ कि आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, आपका IES का एग्जाम भी इसके अंदर से बैठेगा, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज भी है ना, इसके अंदर से ही आएगा। आपका रिसेंटली SSC JEE हुआ है, मैं आपकी बस वेट कर रहा हूँ कि पूरा पेपर हाथ में आ जाए। जिस दिन वो पेपर हाथ में आ गया, अब मैं आपको बोलूंगा कि भाई सब लेक्चर्स में जाए तो फायदा नहीं है, पूरा पेपर हाथ में आने दो। जब आपकी वो आती ना, मेरे को पेपर मिल जाएगा जल्दी, फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन लेक्चर से निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है? अब देखो, अगर हम सबसे पहली बात करें, वो आपसे सबसे पहले एप्रेटस के बारे में पूछेगा कि एप्रेटस की इंफॉर्मेशन दो। सबसे पहली बात जिसमें हम एग्रीगेट्स भरेंगे वो होता है आपका एक सिलेंड्रिकल मॉल टाइप का। देखो ये रहा होलो होता है ये, ठीक है? क्या होता है ये? आपका होलो होता है, ठीक है? अच्छा ये दे रखा है ना, निकाल रखा। अच्छा, ये देखे रखा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सिलेंडर का, अच्छा मेरे को लगा था इस फोटो में इन्होंने देखे रखा हुआ नहीं है, देखे रखा हुआ है। सबसे पहले आपका क्या होगा, एक मोल्ड चाहिए। इन्होंने मोल्ड के बारे में क्या लिखा हुआ है? सिलेंडर, हाँ ये रहा सिलेंडर, सॉरी इन्होंने सिलेंडर लेके रखा हुआ है। 15 सेंटीमीटर डायमीटर होगी उसकी, आपकी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर डायमीटर होगी विथ प्लंजर एंड बेस प्लेट। देखो ये प्लंजर आ जाएगा ऊपर, हम क्या करेंगे, ये मोल्ड हमारे पास, ठीक है? मोल्ड में हम क्या करेंगे, मोल्ड में हम एग्रीगेट्स भरेंगे। उस एग्रीगेट के देखो ये नीचे का पोर्शन हो गया, इसके ऊपर ये मुहैया रखा आपने, मोल्ड रखा सिलेंडर का, सॉरी सिलेंडर के ऊपर ये एग्रीगेट्स हम फिल कर देंगे अलग अलग लेयर में। एग्रीगेट्स ऐसा नहीं कि एक बार में एग्रीगेट्स रख दिया और आपको आपने उसको टेस्ट कर दिया, नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन एग्रीगेट्स को लेयर्स में भरेंगे, और लेयर्स में भरने के बाद हम लोग इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले सिलेंडर स्टील सिलेंडर, इसको मोल्ड मत बोलो, सिलेंडर ही बोलो, 15 सेंटीमीटर विद प्लंजर एंड बेस प्लेट। पे आपकी बेस प्लेट होगी और ये प्लंजर जो कि ऊपर रख दिया जाएगा, ठीक है? अब देखो मैंने आपसे क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि हमने जो 18 सेंटीमीटर, देखो हमारा जो सिलेंडर के डायमीटर होता है वो कितना होता है, 15 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी होती है आपकी, इसने 18 सेंटीमीटर का लिखा हुआ नहीं है यार। अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इन्होंने नीचे इस जगह लिखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि देखो मैं इसको पढ़ता नहीं हूँ, मुझे तो अपना टेस्ट पता है और ये लगा दिया रहता है अब, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा वो ये सबके अंदर ही होगा, बट ऊपर नीचे थोड़ा होता है, ठीक है? तो सबसे पहली बात सिलेंडर की डायमीटर कितनी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है? और आपकी डेप्थ कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर, ठीक है? नीचे ये बेस प्लेट रख दी, फिर आपने एग्रीगेट्स भरे। अब आप एक चीज याद रखना, एग्रीगेट्स एग्रीगेट्स डायरेक्ट नहीं भर जाते, हम उसको 3 से 4 लेयर में भरते हैं। एग्रीगेट्स को हम 3 से 4 लेयर में भरते हैं और फिर उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। इन्होंने कॉम्पैक्ट के बारे में लिखा नहीं, अब पता नहीं मुझे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम एग्रीगेट्स को फिल करेंगे 3 से 4 लेयर में, और हर बार उसको टैंपिंग, देखो स्ट्रेट, देखो क्या होता है, हमने जब हम स्लम्प टेस्ट करते हैं कॉन्क्रीट का, तो स्लम्प टेस्ट में भी हम लोग पहले कॉन्क्रीट अगर 3 से 4 लेयर में भरते हैं और फिर उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने स्लम्प भर दिया और डायरेक्ट सारा कॉन्क्रीट एक बार में कर दिया और उसको उसको टेस्ट कर दिया, नहीं। हम स्लम को टेस्ट भी जब करते हैं कॉन्क्रीट का, तो हम जो कॉन्क्रीट को लेयर्स में भरते हैं और फिर उसको टैंपिंग रोड से टैंप करते हैं, ताकि उसके अंदर जो एयर वेयर वो अच्छे से निकल जाए और कॉन्क्रीट हमारा अच्छे से सेट हो जाए। सेम एग्रीगेट्स का भी है कि जब एग्रीगेट्स में सिलेंड्रिकल मोल्ड के अंदर जब हम एग्रीगेट्स 3 से 4 लेयर में भरेंगे, तो हम एग्रीगेट्स क्या करेंगे, हम टैंपिंग रोड की हेल्प से उन एग्रीगेट्स को कॉम्पैक्ट करेंगे, ताकि एग्रीगेट अच्छे से सेट हो जाए, कहीं पर गैप या वॉइड ना रह जाए। तो टैंपिंग रोड क्या होती है, स्ट्रेट मीटर टैंपिंग 60 mm डायमीटर एंड 50 to 60 cm लॉन्ग राउंडेड एट वन। अब मैं आपको चिराता हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ रेड से, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ लेगा क्रशिंग टेस्ट में जो आप सिलेंडर यूज करते हो, होलो सिलेंडर यूज करते हो आप, उसकी डायमीटर कितनी है। तो आप ये भैया ध्यान रखना, 15 सेंटीमीटर और आपका 18 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर आएगा, 15 सेंटीमीटर डायमीटर है उसकी, और जो उसकी डेप्थ है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर की। उसके बाद वो आपसे टैंपिंग रोड के बारे में पूछ सकता है कि क्रशिंग टेस्ट में जो हमारी टैंपिंग, तो ये मैं इसको कर रहा हूँ रेड सेंटर है सिलेंडर विद प्लंजर एंड बेस प्लेट। प्लंजर क्या ऊपर रख दिया जाता है, ताकि इसके थ्रू हम कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा दें। अब देखा गया दूसरा, हमें टैंपिंग रोड चाहिए क्योंकि एग्रीगेट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर में भरेंगे, तो इसकी भी साइज आप लिख लो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है। जो मैंने रेड से टिक कर दिया ना लेक्चर के अंदर, वो ध्यान रखना बहुत खतरनाक है, और रेड बॉक्स में जो मैंने डाल दिया, देखो जी जो मैं रेड से टिक कर देता हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर मैंने उसको रेड बॉक्स के अंदर डाल दिया, तो आपको पता ही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होकर जाती है। उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला कि हम जो पहले इनिशियल एग्रीगेट्स होंगे जिस पर हम फोर्स नहीं लगाएंगे, और जब हम क्रशिंग फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स लगा देंगे, तो एग्रीगेट आपका क्रश हो जाएगा।
तो दोनों टाइम हमें एग्रीगेट्स का वेट चाहिए होता है, तो हमें एक वेइंग मशीन भी चाहिए होगी। अब बैलेंस ऑफ कैपेसिटी 3 kg रीडेबल एंड एक्यूरेट टू 1 ग्राम, ये ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से देखना भाई, हमने क्या बोला, पहला जो एग्रीगेट होता है जब टूटता नहीं है, फिर हम कंप्रेसिव फोर्स उसमें लाएंगे, कंप्रेसिव फोर्स के बाद वो क्रश हो जाएगा। तो क्रशिंग होने के बाद हम दोनों का वेट कंपेयर करते हैं, तो वेट अगर कंपेयर करते हैं तो हमें एक बैलेंस, वेइंग बैलेंस चाहिए। वेइंग बैलेंस क्या होता है, जो आपका वेट नाप सके एग्रीगेट्स का, ठीक है। उसके बाद आइए सीव्स, ऐसा नहीं है हमें 3 सीव्स चाहिए होंगी इसमें, क्योंकि हम एग्रीगेट्स को, समझ रहे हो, हम एग्रीगेट्स को पास करेंगे तीन तीन, एक हो गया आपका 12.5 mm सीव, एक हो गया 10 mm सीव और एक हो गया आपका 2.6 mm सीव। ऐसा क्या है, मतलब क्या है, हम एक पर्टिकुलर साइज के एग्रीगेट नहीं लेंगे, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट सीव से पास कराएंगे, तो अभी पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो याद रखना कि इसमें हमें सीव्स कौन चाहिए, 12.5, 10 और 2.36 mm, ठीक है। उसके बाद कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, जो आपको कंप्रेसिव फोर्स लगाएगी और उसके बाद ये काट दो, इसका कुछ काम नहीं है। और उसके बाद डायल गेज, ये देखने के लिए कि हमारा कितना एग्रीगेट का कंप्रेशन हो चुका है। तो मोटा मोटा हमें क्या चाहिए, एक सिलेंड्रिकल मोल्ड चाहिए, सिलेंड्रिकल मोल्ड के बाद हमें क्या चाहिए, टेम्पिंग रोड चाहिए, टेम्पिंग रोड के बाद हमें वेइंग बैलेंस चाहिए, वेइंग बैलेंस के बाद हमें क्या चाहिए, सीव चाहिए 12.5, 10 mm और 2.36 mm की। उसके बाद हमें कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन चाहिए और कितना कंप्रेशन होता है उसमें हमें डायल गेज चाहिए। लिखो इसको, आप लिखने का मौका नहीं देते ना, इसमें लिखो एपरेटस। देखो आपको ना एपरेटस के बारे में ना ध्यान रखना पड़ेगा, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इसको लैपटॉप में देखना तो आपको बड़ा दिख जाएगा, क्योंकि एपरेटस से जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं। और मेरा मकसद तो ये रहता है कि हमेशा एक ही छोटे से छोटा पॉइंट हम कवर करें, ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी क्वेश्चन पेपर कहां से आ गए, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चालू करते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया कि हम कोर्स एग्रीगेट, ऐसा नहीं है एक ही पर्टिकुलर साइज के यूज कर रहे, और हमने इसमें 3 सीव्स यूज करी थी, किसकी, 12.5 की, 10 की और 2.36 की, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखना, कोर्स एग्रीगेट हमें ऐसे कोर्स एग्रीगेट यूज कर रहे हैं जो आपकी 12.5 mm सीव से वो पास हो जाए और रिटेन किस पर हो जाए, आपके 10 mm सीव पर। अब आप ध्यान से देखना, मैंने आपसे क्या बोला कि 3 सीव यूज करनी है इसमें, तो 12.5, एक 10 mm और एक 2.36 की। अब आप सोच रहे सर 2.36 की कब काम आएगी, हमने क्या करना है, हमने ऐसे एग्रीगेट्स के यूज करना है जो 12.5 mm से तो पास हो जाए और 10 mm पर रिटेन हो जाए। अब आप बोलेंगे सर फिर 2.36 का काम क्या है, भाई जब हम क्रशिंग टेस्ट कर देंगे, जब हम एग्रीगेट्स पर क्रशिंग फोर्स लगा देंगे तो हम उसको 2.36 सीव से पास कराएंगे। एक्चुअली क्या होता है, देखो ध्यान से, हमने क्या रख लिया, ध्यान से देखना, हमने ऐसे एग्रीगेट्स को ले लिया जो 12.5 mm सीव से पास होते, कोर्स एग्रीगेट की बात हो रही, फाइन एग्रीगेट की बात हो रही है, और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे 10 mm पर रिटेन कराएंगे और उसके बाद हम उस पर फोर्स लगा देंगे, जब फोर्स लगाना क्रशिंग होगी तो हम उसको 2.36 mm पर छानते हैं, तो जो बच गया उसको हम वेट नाप लेते हैं। भाई हम क्रशिंग लोड डालने के बाद उसको छानेंगे भी तो सही, कितना टूट गया, जो 2.36 mm से पास हो गया दैट मीन्स वो आपका क्रश हुआ, वो आपका क्रश हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या लिखा है इसमें, कोर्स एग्रीगेट पासिंग 12.5 mm सीव से रिटेन और 10 mm सीव, ठीक है, एंड हीटेड एट, उनको हम क्या करेंगे, ओवन में हीट करेंगे फॉर 4 आवर्स, ताकि उसके अंदर कोई मॉइस्चर वॉइस्चर हो तो उसके अंदर से मॉइस्चर रिमूव हो जाए एंड कूल टू रूम टेम्परेचर, द क्वांटिटी ऑफ सर्फ डेप्थ ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये काट दो, किसी काम का नहीं है। हाँ, अब हमने क्या डिस्कस करी थी कि हमको एग्रीगेट्स, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो हमारा मॉल्ड है 18 सेंटीमीटर का, उसमें हम एक बार में एग्रीगेट्स को नहीं फिल करते, हम उसको 3 या 4 लेयर में फिल करते हैं, मेजर्स इन 3 लेयर्स ऑफ एप्रोक्सीमेटली इक्वल डेप्थ, ईच लेयर बीइंग टैम्पर्ड 25 टाइम्स विद द टैम्पिंग रोड एंड फाइनली लेवल ऑफ यूजिंग अ टैम्पिंग रोड एज स्ट्रेंथ एज। क्या बोला मैंने आपको, जिस तरीके से हम स्लम्प कोन टेस्ट में भी हम कॉन्क्रीट डायरेक्ट फिल नहीं करते हैं, तो इसमें भी हम डायरेक्ट फिल ना करके एग्रीगेट्स को क्या करते हैं, हम एग्रीगेट्स को पहले 3 लेयर में फिल करते हैं, और जैसे 1 लेयर में फिल करते हैं एग्रीगेट को, कौन से एग्रीगेट को, जो 12.5 mm से पास हो गए और 10 mm पर रिटेन हो गए, उसके बाद हमें इतना लेना, इतने एग्रीगेट्स लेने हैं कि वो आपका जो 3 सेंटीमीटर का मोल्ड है वो फिल हो जाए, उसको हमें 3 लेयर में करना है। 3 लेयर में हम फिल, जैसे पहली लेयर में करा था हमने उसको टैम्पिंग कर दिया, टैम्पिंग का सेकंड लेयर पर उसको टैम्पिंग कर दिया, सेकंड लेयर के बाद थर्ड लेयर पर ही टैम्पिंग कर दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब आपको ध्यान से देखना, जब आपने उसको टैंप कर दिया आपको उसका वेट ले लेना है, ठीक है। अभी वेट कैसे काट दो, जो मैंने अंडरलाइन करा वो लिखना, क्योंकि फालतू ज्यादा देखा, ठीक है। नेक्स्ट,
देखो जी, अब ये है इसका प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर है ठीक है। आपको याद होगा कि जो सिलेंडर था, एक तो उसके ऊपर प्लंजर था और प्लंजर के बाद नीचे क्या थी, बेस प्लेट थी, ठीक है जी। आप देखना ध्यान से, ये आपका सिलेंड्रिकल मोल्ड हो गया। देखो मेरे मुंह से मोल्ड ही निकलता है यार, कोई भी होलो सेक्शन होता है, मतलब होलो सिलेंडर तो मेरे मुंह से मोल्ड निकलता है, मैंने सिलेंडर यूज करा है ठीक है। ध्यान से देखना, इसको मैं आपको बताऊंगा। अच्छा हम यहां तक आते हैं ठीक है। पुट द सिलेंडर इन द पोजीशन, अब प्रोसीजर देखते हैं। पुट द सिलेंडर इन पोजीशन ऑन द बेस प्लेट एंड वेट। देखो पुट द सिलेंडर इन पोजीशन ऑफ बेस प्लेट, क्या करा हमने, जब एग्रीगेट हमने फिल कर दिए तो हमें इसका लेना है, पुट द सिलेंडर इन द पोजीशन एंड ऑन द बेस प्लेट एंड वे इट, हमें उसका वेट लेना है सबसे पहले ठीक है। पुट द सैंपल इन थ्री लेयर्स, हमने पहले पढ़ लिया, ईच लेयर बीइंग सब्जेक्टेड टू, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेवल द सरफेस, ये भी हमने पढ़ लिया कि जब हम उसको फिल कर देंगे तो हम एग्रीगेट्स को लेवल करेंगे। प्लेस, अब देखो जब हमने एग्रीगेट्स को भर दिया उसके ऊपर हम क्या रखेंगे, प्लंजर। प्लेस द सिलेंडर विद प्लंजर, ये रहा प्लंजर ठीक है। प्लेस द सिलेंडर प्लंजर ऑन द लोडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, क्या करा हमने, एग्रीगेट्स फिल करने के बाद हमने उसके ऊपर प्लंजर रखा। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा, मैं आज भी फोटोग्राफ लगाना भूल गया, मैं आपको पूरा फोटो दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं पूरा टेस्ट आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। यहाँ पर हमने क्या करा उसके बाद एग्रीगेट्स को फिल कर लिया तीन लेयर में, उसके बाद हमने, यार ये बहुत छोटा दिख रहा है इसलिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, छोटा पेज लग रहा है भाई। एग्रीगेट्स बेस प्लेट रखी, एग्रीगेट तीन लेयर में भरा, उसके बाद प्लंजर रखा। प्लंजर को हमने फिट कर दिया कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, प्लंजर को हमने किसमें फिट कर दिया, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में ठीक है। अब आप ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन, जो लोड लगाएंगे हम, हमें इतना लोड लगाना है कि 40 टन लोड लगे 10 मिनट के अंदर, ये रेट ऑफ लोडिंग है, ये आपको ध्यान रखना। हमें इतना लोड लगाना है कि 40 टन लोड इंक्रीज, ग्रेजुअली हम इंक्रीज करना है, पहले जीरो, 10 मिनट में, 10 मिनट तक 40 टन तक पहुंच जाना चाहिए ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी, यार बहुत छोटा दिख रहा है ना, मतलब बहुत ध्यान से आप देखोगे क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा तो आपको वहां पर भी नहीं दिखेगा। चलो आप ये लेक्चर मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, इसको मैं बड़ा करके लगाऊंगा, ये कुछ ज्यादा छोटा लग गया ठीक है। प्लंजर रखा, देखो प्लंजर लिख गया, प्लंजर के ऊपर कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, कंप्रेशन CTM से, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से हमने इस पर लोड लगाना शुरू करा, और लोड इतना लगाना है कि 10 मिनट का, जीरो से स्टार्ट करना है और 10 मिनट तक आपको 40 टन तक लग जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, 40 टन तक आपका लोड लग गया, उसके बाद लोड को रिलीज कर देना है, क्योंकि जब 40 टन लोड लगेगा तो एग्रीगेट आपका क्रश हो चुका होगा, एग्रीगेट आपका क्रश हो चुका होगा, तो एग्रीगेट जब आपका क्रश होगा तो हमें लोड को रिमूव कर देना है। कितना लोड लगाना है, 40 टन। अब आप ध्यान से देखना, ध्यान से लेना बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अब मैंने आपसे क्या बोला, लोड को रिमूव कर दिया, अब मैंने आपसे कहा कि एग्रीगेट क्रशिंग हो चुकी है, अब उस एग्रीगेट को हम छानेंगे किससे, 2.36 mm से, और जितना भी फ्रैक्शन पास हुआ है 2.36 mm से हम उसका क्या कर लेंगे, वेट ले लेंगे W2। अब आप ध्यान से देखना, ठीक है भाई, नेक्स्ट अब आ जाओ इधर, The ratio of weight of fines formed to the weight of total sample in each test shall be, क्या बोला मैंने, अब ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने क्रशिंग लोड लगाया था, क्रशिंग लोड लगाया था, लगाया था बोल के यहां से लगाया था, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, देखो तीन वेट है यहां पर, एक दिख रहा है आपको W, एक दिख रहा है आपको W2 और एक दिख रहा है आपको W1। ध्यान से देखना, अगर हम सबसे पहले बात करें, इधर आ जाओ, पुट द सैंपल, देखो जब हमने पूरा सैंपल रख दिया था तो हमने सबसे पहला वेट कर लिया था आपका W1। सबसे पहले देखो है ना, सैंपल हमने तीन लेयर्स में रख लिया था, तो क्या लगा था W1, और जो पास, समझ रहे हो, जब हमने तीन लेयर्स में सैंपल को फिल कर लिया था तो उसका जो टोटल वेट कितना था आपका W1। अब ध्यान से आप देखना, और जब फ्रैक्शन जब पास हो गया था, जो क्रश हो गया 2.37 से पास हो गया, उससे कितना गया W2। अब ध्यान से देखना, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू का क्या मतलब है, W2 into 100 by W1 minus W2 ठीक है। अब आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, जितना भी फ्रैक्शन उस 2.36 mm के सीव से पास हो गया, क्योंकि उतना ही पोर्शन आपका क्रश हुआ है, उतना ही पोर्शन आपका क्रश हुआ है। अब आप ध्यान से देखना ठीक है, तो W2 क्या आ गया आपका 2.36, मैं लिखता हूं यहां पर, वेट ऑफ द फ्रैक्शन पासिंग थ्रू अपर सीव 2.36 mm से जितना भी सैंपल आपका पास हुआ
उसका हमने वेट कितना ले लिया W2, और जो हमारा ड्राई सैंपल था, समझ रहे हो, जो हमने इनिशियल में सैंपल नहीं लिया था, जो हमने इनिशियल में सैंपल लिया था जिसमें क्रशिंग नहीं हुई थी, उस वेट को, दैट मींस ये को तो देखो, अगर हम W2 की बात करें तो ये हमारा क्रशिंग है और ये हमारा नॉट क्रशिंग है, जो क्रश नहीं हुआ आपका। जब हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। जो क्रश नहीं हुआ और जो क्रश हो गया उसको हम कंपेयर कर लेंगे, और फाइनली आपके पास इस तरीके से, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रुकोल से इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि अगर मान लो देखो, फ्लेक्सिबल पेमेंट कौन सी होती है, मैगडम रोड, ठीक है, रिजिड पेमेंट कौन सी होती है, कॉन्क्रीट रोड, है ना, मैं लिख भी देता हूं, फ्लेक्सिबल पेमेंट कौन सी होती है, मैगडम, इससे जबरदस्त क्वेश्चन आएगा आपका, और रिजिड पेमेंट क्या होती है आपकी, कॉन्क्रीट रोड, सीसी रोड, मैं लिख देता हूं। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर मैगडम में सोलिंग क्या होता है, जब हम फिल कर देते हैं, सोलिंग को छोड़ दो, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, वाटर बाउंड मैकेडम, अगर वाटर, देखो मेनली अगर मैं आपसे पूछूं तो इन दोनों से आपसे पूछा जाएगा, ये है आपका फाइव स्टार टॉपिक, कितना क्रश हुआ भाई, हमने W2 कौन सा वेट था, जो 2.36 mm से पास हो गया, और नीचे हमने किसे डिवाइड करा, जो आपका क्रश नहीं हुआ, तो क्या हुआ, अगर वाटर बाउंड मैकेडम हम रोड बनाते हैं तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कभी भी 40 से ज्यादा, Do not exceed. That means, अगर हम water bound, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, फाइव स्टार क्वेश्चन है आपका, कि water bound magnetum road के लिए कितना aggregate crush हो गया, अगर aggregate 40% तक crush होता है, तो हम उसको water bound magnetum में use कर सकते हैं, but अगर 40% से ज़्यादा, ये भाई साहब 5 का इसको 10 स्टार ही हो जाएगा, बहुत important topic है। अगर आपका जो मैं टिक कर रहा हूँ, सोने को काट, जो मैं काट रहा हूँ उसको मत लिखना फालतू में, क्योंकि जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वाटर बाउंड मैग्नेटम के लिए एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कितनी चाहिए आपकी, 40, और बिटुमेंस मैग्नेटम के लिए कितनी चाहिए आपकी, 40। इन दोनों को आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, डेंस मिक्स, वही मैंने आपको बताया ना, डेंस बिटुमेन मिक्स, सेमी डेंस बिटुमेन मिक्स, तो इनको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू की चीजें हैं, जबरदस्ती में आगे नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर आपका कॉन्क्रीट रोड है, अब देखो उन्होंने क्या लिखा, कॉन्क्रीट में उन्होंने क्या लिखा कि अगर आपका सर्फेस बियरिंग कोर्स में यूज हो रहा है, जैसे मैंने आपसे क्या बोला, आप देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट हर लेयर में यूज होता है, एग्रीगेट हर लेयर में यूज होता है, चाहे वो आपका सरफेस बियरिंग कोर्स हो, चाहे बेस कोर्स हो, चाहे सब बेस कोर्स हो। तो इन्होंने क्या लिखा कि अगर आपकी कॉन्क्रीट रोड है, कॉन्क्रीट रोड में अगर सरफेस बियरिंग कोर्स है, तो एग्रीगेट 30 से ज्यादा, या आपको 30 लिखा, मैं लिख रहा हूं 30, एग्रीगेट की वैल्यू 30 से ज्यादा नहीं चाहिए। अगर कॉन्क्रीट रोड, दैट मींस आप रिजिड रोड बना रहे हो, और उसका सरफेस बियरिंग कोर्स, जो आपकी टॉप की लेयर होती है, उसमें अगर सरफेस बियरिंग कोर्स में एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू 30 से ज्यादा है किसी एग्रीगेट की, तो उन एग्रीगेट को हम यूज नहीं करेंगे। ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वाटर बाउंड मैग्नेटम के सरफेस बेयरिंग कोर्स में एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू 40 से ज्यादा अगर हुई, तो हम उस एग्रीगेट को सरफेस बेयरिंग कोर्स में यूज नहीं करेंगे। बिटुमिनस मैग्नेटम की बात हुई, तो बिटुमिनस मैग्नेटम में अगर 40 से ज्यादा हुई तो यूज नहीं, हां 40 तक हुई, लाइक 10 20 30 40 तो यूज कर, अप टू 40 क्रशिंग वैल्यू in water bound magnetum road and in bituminous magnetum road up to 40 crushing value we can use the aggregates in surface bearing course, but if value goes exceeds 40 we cannot use aggregates on surface bearing course in the case of water bound magnetum or in the case of bituminous bound magnetum। to flexible road mein crushing value kya 40 tak chal jati hai, but agar aap concrete road ki baat karo, that means rigid road ki, to surface bearing course mein aggregate crushing value aapki 30 se zyada nahi honi chahiye। like agar aap concrete road banate ho और अगर एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू आपकी 40 तक आ गई, तो उस 40 को आप वाटर बाउंड मैग्नेटम में भी यूज कर लोगे, बिटुमिनस मैग्नेटम में भी यूज कर लोगे, बट आप उस को कंक्रीट में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंक्रीट की अगर हम बात करें, रिजिड रोड की अगर बात करें, तो उसमें सर्फेस बियरिंग कोर्स की वैल्यू करके आपकी 30 की, और क्या लिखा हुआ, अदर देन बियरिंग कोर्स, तो ये निरा भी पढ़ो अभी, अदर देन बियरिंग कोर्स आता है जब मैं आपको आगे की वैल्यू पढ़ाऊंगा, तो 45 ऑप्शन चाहिए। अब देखो ये पूरा का पूरा बनाओ, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है, जो मैं आपको विजनों में डाल रहा हूँ इसी को पढ़ लेना। एक तो इन दोनों की वैल्यू लिखो, और आप एक इस रिजिड पेमेंट की वैल्यू लिखो, ये आप लिख लो इसके आगे, फिर मैं आपको इसका टेस्ट बताता हूँ, आप इसको देख लिख लो पूरा पूरा, मैं इसको पूरा परफॉर्म करके आपको दिखाता हूँ। टेस्ट लगा दिया मैंने आपके सामने, ठीक है। आपका दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो इसमें हम क्या करते हैं भैया, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होने का। एक वेट ले लिया हमने, एक
वेट ले लिया हमने W1 जब हमने W1 जो हमारा इनिशियल लोड हो गया एग्रीगेट्स का, मतलब इनिशियल वेट ऑफ एग्रीगेट्स, और जब एग्रीगेट क्रश हो जाएगा तो उसका वेट क्या आएगा W2। भाई ये क्या है, इनिशियल वेट ऑफ एग्रीगेट जब वो क्रश नहीं हुआ, जब हमने मोल्ड के अंदर भर दिए, मोल्ड के अंदर भरने का क्या करा हमने, देखो मैं आपको बताता हूं करना क्या है। आपने तीन लेयर में मोल्ड में एग्रीगेट्स भर दिए 25 बार टाइम करके, उसको बाहर निकालो, या फिर हमने क्या करा मोल्ड के अंदर एग्रीगेट्स भर दिए, उस मोल्ड में से एग्रीगेट को फिर बाहर निकाल दिया और उसका वेट ले लिया इनिशियल वेट ऑफ एग्रीगेट। उसका जब हमने क्रशिंग लोड लगाया, क्रशिंग लोड लगाने के बाद एग्रीगेट क्रश हो जाएंगे तो हम 2.36 mm की सीव से क्या करेंगे, वेट करेंगे कितना वेट क्रश हो गया, तो W2 हमने W1 से डिवाइड कर दिया तो एग्रीगेट क्रशिंग में जाएगा, बस हमने आ जाएगी। ठीक है चालू कर रहा हूं, ठीक है देखना ध्यान से, चल भी रहा नहीं चल रहा है जो मैं आपको बोल रहा हूँ ध्यान से देखते आना, ठीक है जी। अगर आप देख सकते हो टेस्ट चालू हो चुका है, क्योंकि देखो मॉल्ड है, मॉल्ड देखो ये टैंपिंग रोड है आपकी, चलो मैं बना देता हूँ उसको, चल देता हूँ। ठीक है अगर आप देख सकते हो आपको क्या दिख रहा है, एक वेइंग बैलेंस दिख रहा है, वेइंग बैलेंस क्या होता है जिस पर हम वेट लेंगे एग्रीगेट्स का, ठीक है ये आपका वेइंग बैलेंस है, वेइंग बैलेंस ये आपका बेस, ये प्लंजर, ये आपका मॉल्ड है, ठीक है हॉरस एड्रेस को मैंने बोला था आपका, ठीक है हम इसमें एग्रीगेट्स भरेंगे, टैंपिंग रोड है आपकी और ये आपका जिसके सॉरी वो नहीं और ये आपका प्लंजर है, ठीक है और ये सीव्स है आपकी, जो आपको सीव्स बता रही, मैंने तीन सीव्स बता रही 2.36 mm की, 10 mm की और 12.5 mm की, तीन सीव्स आपके सामने, ठीक है जी दिख रहा होगा आपको अच्छी तरीके से, तीन सीव्स दिखा रहे हैं ये आपको, देखो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ जाता है। नीचे वाला पैन है, पैन क्या होता है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, चलो क्या करा देखो स्कूप है, स्कूप से एग्रीगेट्स निकाल लेंगे, काम का नहीं है, चल रहे उसको मैं आपको बताता रहता हूँ पूरा पूरा, आपको सीव्स दिखा रहा है ये, दिखा देता हूँ उसको, एक्सपेरिमेंट समझ में आना चाहिए पूरा का पूरा, आपके भेजे के अंदर छप जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ भैया, ये आपकी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, दिस इज कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन जिस पर हम लोड लगाएंगे, ठीक है ये क्या सीव शेकर है, ये आपका सीव शेकर है, सीव्स मतलब जिसमें एग्रीगेट्स आपको छजा पे बताऊंगा, ठीक है। तो देखो प्रोसीजर स्टार्ट कराइए, सबसे पहले क्या करा इसने, सबसे पहले वाली जो हमारी सीव है 12.5 उसमें एग्रीगेट्स रखे, देखो 12.5 mm की जो सीव है उसके ऊपर एग्रीगेट रख रहा है, आप देख सकते हो 12.5 mm की सीव पर इन्होंने एग्रीगेट रख दिया और हमें 10 mm पर रिटेन कराने, तो क्या करेंगे हम सीव को शेक कर दें, एग्रीगेट ऐसा तो है नहीं कि एग्रीगेट हमने 12.5 पर रखे तो छन कर वो सीव होकर आपका चल जाएगा। अब देखो सीव शेकर है, सीव शेकर में क्या करें इसने, देखो सीव शेकर में ये आपकी सीव चल रही है ताकि 12.5 mm से पास हो जाए एग्रीगेट और 10 mm पर ही आपकी रिटेन हो जाए, ठीक है जी ये सीव शेकर है। उसके बाद आपकी 10 mm की देखो, ये 10 mm वाली आपकी सीव दिखाएगा अभी आपको, कौन सी दिख नहीं रही है, ठीक है ये 12.5, ठीक है ये हो गया पास, ठीक है देखना ये 12.5 से पास हो चुका है तो हटा दिया एग्रीगेट, और जो रिटेन हुआ है किस पर, 10 mm पर रिटेन हुआ है, ये एग्रीगेट 10 mm पर रिटेन हो चुका है, नेक्स्ट सीरीज में देखो ये है रिटेन वाला, तो इसने क्या करा है अब देखना है, इसको ये फिल कर देगा इसके अंदर मोल्ड के अंदर, उसका वेट लेगा अभी ये देखने दो, फिल द मेजरिंग सिलेंडर विद दिस, ये क्या कर रहा है जो हमारा 18 cm by 15 cm का था उसमें एग्रीगेट फिल कर रहा है, अभी देखते हैं फिल करने के बाद ये वेट लेगा W1। ये सीरीज बता रहा दिखाने दो, फायदा नहीं है इसका, ठीक है सो करने दो अभी, ठीक है 12.5 mm और 10 mm सीव से रख दी। अब देखना सबसे पहले क्या करेगा, ये एग्रीगेट का सिलेंडर में एग्रीगेट्स को फिल करेगा और फिल करने के बाद लेगा वेट W1। देखो इसने देखो फिल कर दिया, देखो जो हमारा सिलेंडर मोल्ड था उसमें इन्होंने एग्रीगेट फिल कर दिया, एग्रीगेट फिल कर दिया, अभी इस एग्रीगेट को फिल करने के बाद इस पर लेगा वेट, ठीक है ये एग्रीगेट फिल करने अभी इसको कॉम्पैक्ट नहीं कर रहा है, अभी इसको कॉम्पैक्ट नहीं कर रहा, अभी आप देखते जाना कॉम्पैक्ट नहीं कर रहा है, अभी कॉम्पैक्ट नहीं कर रहा है इसको, अभी इसका लेगा वेट W1 आएगा यहां से, W1 कौन सा है जो हमारा वेट भर चुका था मोल्ड के अंदर, ये पैन है क्योंकि 2.36 mm जब हम छानेंगे तो इस पैन में हम छानेंगे, क्योंकि 2.36 mm क्या होता है बहुत फाइन होता है तो 2.36 कहीं पर गिर नहीं जाए इसलिए हम इस पैन के अंदर इसको रखेंगे, ठीक है जी। देखो अभी वेट लेना W1, यहां से आपका W1 वेट आएगा, इसने क्या करा मोल्ड में एग्रीगेट, देखो इसने क्या करा वेट ले लिया, इसने सबसे क्या करा पैन को वेइंग बैलेंस क्या करते हैं एक बार वेट, देखो मैं आपको बताता हूं, देखो मैं आपको बताता हूं कंफ्यूज मत होना, देखो इसने क्या करा सबसे पहले पॉज वगैरह, ठीक है इसने मोल्ड के अंदर एग्रीगेट्स भरे, उसका जिस पैन को वेइंग बैलेंस के ऊपर था, और हम क्या करते हैं भाई जिसे क्या एग्जांपल दूंगा आपको, कभी सामान लेने जाता हूं 1 किलो दाल या 2 किलो दाल, तो वो उसका वेइंग बैलेंस नहीं होता,
तो उसे 1 किलो में उसके वेइंग बैलेंस का वेट नहीं आता। तो हमने ये करा जो एग्रीगेट्स मॉल्ड के अंदर भरे थे, फिर हमने पैन के अंदर भरे, तो वेइंग बैलेंस के ऊपर हमने पैन को रख दिया और वेट को जीरो कर दिया। लाइक अगर ऐसा क्या हो सकता है कि मैं 10 किलो भी रख दूंगा तो जीरो कर दूंगा कि यहाँ से मैं रीडिंग लेना चालू करूंगा। तो वेइंग बैलेंस में सबसे पहले से पैन रखा और जीरो कर दिया। उसके बाद मॉल्ड में जो उसने एग्रीगेट भरे थे ऊपर तक, उसने इसके ऊपर रखकर इसका वेट लिया, क्योंकि पैन का वेट ऑलरेडी जीरो कर चुका है। तो अब जो वेट आएगा वो ओनली एग्रीगेट का आएगा। देखो यहाँ पर एग्रीगेट का वेट आ रहा है आपको, ठीक है। अब इसको सेट करने दो, इसके अंदर रखेगा ये। अब इसमें एग्रीगेट्स भरना स्टार्ट करेगा तीन लेयर में। तीनों लेयर में क्या करेंगे, टैंपिंग करेंगे हम लोग। ये देखो तीन लेयर में एग्रीगेट भरती है। तीन लेयर में भरने के बाद इसको टैंप करेगा। पहली लेयर भर दी, 25 बार टैंपिंग करेगा ये। 25 बार टैंपिंग कर दी आपने एग्रीगेट्स की, ताकि लूज ना रहेगा इधर भी, गैप ना रहेगा इधर भी, अच्छे से एडजस्ट हो जाए सारा का सारा एग्रीगेट। उसका सेकंड लेयर भरी इसने, सेकंड लेयर भरने के बाद टैंपिंग करेगा। देखो मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सेकंड लेयर में टैंपिंग कर दी, ताकि फ्यूचर में जब आप ये एक्सपेरिमेंट देखो, क्योंकि ये जब आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या किसी भी पीडब्ल्यूडी में चल जाओगे, सीपीडब्ल्यूडी में चल जाओगे, तो ये सारे के सारे टेस्ट भाई आपको कराने पड़ेंगे। क्योंकि मोस्ट एक्सपेंसिव लेयर जो होती है रोड की, वो आपकी सर्फेस वेयरिंग कोर्स ही होती है, और एग्रीगेट टेस्ट हम सर्फेस वेयरिंग कोर्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड लेयर पर थी, थर्ड लेयर भर के अभी अब फिल कर देगा। पहले तो इसको थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट नेट से चला रहा हूँ इसको। अब देखो प्लंजर रख दिया, प्लंजर अभी लेके आएगा। प्लंजर इसने मोल्ड के ऊपर रख दिया, ये प्लंजर इसने क्या कर दिया आपका, मोल्ड के ऊपर रख दिया है इस जगह। नेट स्लो कैसे चल रहा है, ये प्लंजर जो मैं डिस्कस कर रहा था। अब इस प्लंजर पे ही हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन लगाएंगे। यार मेरे को एक चीज देखने दो, फिर स्लो कैसे चल रहा है भैया, स्लो कैसे चल रहा है, रुक जा एक बार, इसको फिर स्टार्ट करता है ना। चलो कोई नहीं, स्लो चल रहा होगा, लैंड स्पीड अच्छी नहीं आ रही होगी। अब कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर से लगा दिया, हमें क्या करना है 40 टन लोड को, हमें क्या करना है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में जीरो जीरो लोड, देखो जीरो दिखा रहा है लोड, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में जीरो लोड दिखाया था हमें 40 टन लोड लगाना है, कितने में, 10 मिनट में, ठीक है जी। इसको लगा के लोड चालू कर दिया यहाँ पर, अभी तो लोड वैल्यू दिख जाएगी। नेट स्लो चल रहा है तो थोड़ा वीडियो अटक अटक के चल रहा है, मैं नेट से चला रहा हूँ इसको। 40 टन लोडिंग 10 मिनट्स ऑफ द एग्रीगेट, धीरे धीरे करके देखो इस पर रीडिंग 40 टन आ जाएगी आपकी। 10 मिनट के टाइम पीरियड में हम इस पर 40 टन लोड लगाएंगे ग्रेजुअली, एकदम से 40 टन नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे कि 10 मिनट में हमारा जो लोड पहुंच जाए, 40 टन लोड आपका पहुंच जाए। यार थोड़ा अटक अटक के चल रहा है, रीडिंग्स दिखा रहा है आपको अभी 0-0 है सारी की सारी। ये कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है जिससे हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, ठीक है। उसका रीडिंग्स दिखा रहा है आपको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का, यार कुछ ज्यादा अटक रहा है तो। चलिए दोस्तों ये करी इसने मशीन स्टार्ट, सीटीएम मशीन स्टार्ट कर दी इसने, अभी धीरे करके ग्रेजुअली लोड को इंक्रीज करेगा। सीटीएम स्टार्ट हो चुकी, ग्रीन बटन देख लेना, सीटीएम से स्टार्ट होती है, नीचे दिख रहा है गोल गोल घुमाने से लोड बढ़ेगा आपका। उसने देखो लोड बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उसने लोड बढ़ा रहा है, बता रहा है कितना प्रेशर आपका नीचे आ रहा है, लोड बढ़ता आ रहा है। बड़ा तो ज़्यादा ही स्लो चल रहा है, ठीक है यार, आपके दिमाग में ले जाएगा एक्सपेरिमेंट अच्छे से। अरे भैया सारा लोड बढ़ा दे तो हमें हमें नहीं देखना पूरा लोड। चलो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे से। तो यार 11 तक पहुंच चुका है, 40 तक लेके जाएगा कर करके। अरे भैया तो 40 एक बार में दिखा रहे हैं, हमें टाइमलेस मत कर। चलो कल को आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। इसका
इसको मैं थोड़ा आगे कर दूँ यार, रुको एक सेकंड, ये टाइम इस कर रहा है हमारा, वो बैक हो गया, ठीक है, वो नेट स्पीड आनी रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ, पार्टली क्रशिंग टेस्टिंग, सॉरी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पर एग्रीगेट क्रश हो चुके हैं, और एग्रीगेट क्रश होने के बाद हम क्या करेंगे, 2.36 mm को जो भी क्रश हुआ है, जो भी एग्रीगेट है, हम जो मोल्ड होगा, जो हमारा सिलिंड्रिकल मोल्ड है, उस मोल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, एग्रीगेट्स को निकाल लेंगे और 2.36 mm से पास करेंगे। जो एग्रीगेट 2.36 mm से पास हो गया उसका वेट तो क्या आ गया आपके पास W2, उसका वेट कितना आ गया आपके पास W2, जो पास हो जाएगा 2.36 से। जो इनिशियल एग्रीगेट था हमने वेट करा था उसका क्या W1 × 100% में निकालेंगे, तो ये आपकी परसेंटेज क्रशिंग वैल्यू है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टेस्ट जो मेरा है वो है आपका हार्डनेस टेस्ट, क्रशिंग टेस्ट से मैं स्ट्रेंथ फाइंड कर सकता हूं, नेक्स्ट टेस्ट होगा मेरा हार्डनेस टेस्ट।